हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एनर्जी गुरु। डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअल में डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। और देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो पोर्शन है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो बोर्ड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। नीट के एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एवरेजली 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 45, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है। और अगर आप जेई वाले स्टूडेंट हैं तो भैया, जेई एडवांस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री के सारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट डील किया जाता है। मींस 4 to 5 क्वेश्चंस एडवांस के पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दोनों पेपर मिला के रहते ही रहते हैं। तो चलिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ही क्या हो गया? ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग की जाए। क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग हो तो उससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर इक्वल शेयरिंग होता था तब उससे हमारा क्या बनता था? उससे बनता था कोवेलेंट बॉन्ड। ये बातें आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखी होगी। अभी चलो, अभी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको जो पढ़ना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सबसे पहले आप लोग ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड जानो कि यार ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर कंपाउंड जाके बनेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको आप नाम दोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलो अब आ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड? तो बच्चों समझिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड, या मैं इसको लिख दे रहा हूं इसका डेफिनेशन, कंपाउंड्स ऑब्टेनिंग टू और मोर देन टू सॉल्ट। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स हो और वो उसका एक क्या हो, एक मिक्सचर हो, और वो जो मिक्सचर हो वो एक स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में हो, इन स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या नाम दोगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और यही मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कितने टाइप के होंगे? दो टाइप का। पहला आप जिसको नाम दोगे वो होगा, माय डियर स्टूडेंट, डबल सॉल्ट करके। क्या कहलाएगा? डबल सॉल्ट। और सेकंड कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को हम लोग एक और नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और बच्चों, आपके बोर्ड के पेपर में मैं इंपॉर्टेंटली बता देता हूं कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पूछता है। तो चलो, सबसे पहले आपने जाना कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होंगे, तो दो या दो से ज्यादा अलग अलग सॉल्ट रहेंगे, उनको आप एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे तो एक नया ही कंपाउंड बनेगा जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा सॉल्ट रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या नाम देने वाले हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो पार्ट में क्लासिफाई होंगे, डबल सॉल्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब होता क्या है डबल सॉल्ट, होता क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना है। और मैंने अभी अभी आपको बोला कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस आपके बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है, तो एकदम अटेंटिव रहना। चलिए हम जानना स्टार्ट करते हैं डबल सॉल्ट को। भैया क्या है डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट तो दोज मॉलिक्यूलर सॉल्ट, इनको आप क्या लिखेंगे? ये एक मॉलिक्यूलर ही सॉल्ट है, या दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लिखो, दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच आर ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। केवल किस में रहे? सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल रहेंगे, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेंगे, वाइल
जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे, वाइल इन सॉल्यूशन दे डिकम्पोजेस इंटू रेस्पेक्टिव आयंस, रेस्पेक्टिव आयंस। मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ कि भैया ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा टाइप के सॉल्ट रहे, वो सॉलिड स्टेट में तो अपने स्टेट को, अपनी स्टेबिलिटी को बियर करेंगे, बट जैसे ही आप उसको एक्वस मीडियम में ले जाओगे वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत प्यारा सा नाम सुना होगा, पोटाश एलम, पोटाश एलम दैट इज K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। अगर मैं इसको वाटर में डाला, कहाँ ले गया मैं वाटर में, एक्वस मीडियम में, तो इसके जो जितने भी आयंस है ना, ये सारे आयंस डिकम्पोज होकर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। जैसे देखिए पोटेशियम, पोटेशियम पे क्या होता है, प्लस चार्ज, कितने पोटेशियम है भैया, दो है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आता है, प्लस थ्री, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने हैं, वो भी टू है। सल्फेट, हमको पता है सल्फेट पे क्या चार्ज आता है, SO4-2, कितने सल्फेट आयन है, तो यहां से थ्री है, यहां वन है, टोटल फोर सल्फेट आयन और वाटर सेपरेट हो जाएगा। क्या नाम इसका, पोटाशियम। ऐसे ही एक दो और इंपॉर्टेंट मैं डबल सॉल्ट आप लोग को लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि डबल सॉल्ट आपके वाईवाई एग्जाम में आपसे जो एक्सटर्नल आता है ना वो पूछता है कि चलो बताओ पोटाशियम का फॉर्मूला बताओ, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, ये उनका फेवरेट जोन होता है, तो सब चीज के लिए तैयार होते रहना है। और एक एग्जाम्पल ले लिए, KCl MgCl2 into 6H2O। बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट है और इसका नाम है कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका, कार्नेलाइट। इसको आप लोग जब एक्वस मीडियम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, सारे आयंस डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे। जैसे K प्लस अलग हो गया, Mg+2 अलग हो गया, क्लोराइड आयन अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे तीन क्लोराइड आयन बनने वाले हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल सिंपली डिफरेंट। एक और इंपॉर्टेंट ले लेता हूं, ये सब याद रखना इनके नाम, KCl MgCl2 into 6H2O, ये क्या है, कार्नेलाइट। देखो ये एक सॉल्ट है KCl, MgCl2 भी एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्ट आ रहा है ना, इसलिए तो मैं इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में भी डबल सॉल्ट का नाम दे रहा हूं क्योंकि इसमें दो सॉल्ट आ रहे हैं। यहां भी देखो पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट आया, एल्यूमिनियम सल्फेट एक सॉल्ट आया, ठीक। अब एक और आ जाता है, वो होगा हमारा FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 into 6H2O। क्या नाम होगा इसका, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। एक साथ मिलाकर अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको बोलूंगा फेरस अमोनियम सल्फेट, और ये फेरस अमोनियम सल्फेट को एक प्यारा सा नाम दिया जाता है, दैट इज मोहर सॉल्ट। क्या कहेंगे, मोहर सॉल्ट। इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एक्वस मीडियम में ले जाओगे बच्चों, तो ये आपका Fe+2 चार्ज अलग हो जाएगा, आपका अमोनियम आयन अलग हो जाएगा, और सल्फेट कितने हैं, दो ही हैं, ठीक है। तो दिस इज टू टाइम्स ऑफ SO4-2 प्लस ऑफ 6H2O। तो ये कुछ डबल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम में जब आप वाइवा दिलाने जाएंगे साइंस का, केमिस्ट्री का, तब ये पूछा जाता है, ठीक है। मुझसे पूछा भी गया था कार्नेलाइट का फॉर्मूला, इसलिए मैं बोलता हूँ कि याद रख लेना। अब बच्चों हमने डबल सॉल्ट तो सीख लिया, पर हमारा मेन मुद्दा क्या सीखना है, हमारा मेन अटेंशन है, सर चैप्टर का नाम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, अब उस चीज पे हम लोग को अपना फोकस रखना है। तो चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानेंगे, और बाद में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। डबल सॉल्ट में आपने एक बात देखी, केवल कब स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या एक्वस मीडियम में ये क्या हो रहा है, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में सेपरेट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। नेक्स्ट आपका आएगा दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या
कई बार इसी को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों नाम देते हैं ना, इसके पीछे भी साइंस है, आराम से जानना। क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो सबसे पहले तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, क्योंकि ये भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एग्जांपल है। दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच कैन या विच आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस मीडियम, जो सॉलिड और एक्वस मीडियम दोनों में ही स्टेबल हो। और साथ ही साथ इनकी एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी भी जानना कि ये जो एक्वस मीडियम में जो सॉल्यूशन है उसमें अपनी आइडेंटिटी को सस्टेन करने में केपेबल है। ठीक है, तो वो पॉइंट बस ऐसे ही मैंने स्टेबल लिख ही दिया है यहीं पर कि स्टेबल है सॉलिड में भी लिक्विड में भी। इसका मतलब कि जब आप इसको लिक्विड में डिजॉल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से लूज नहीं करेगा। इसका मतलब समझे, ये अपने सारे आयंस में सेपरेट नहीं होगा। समझ में आ रही बातें? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना ठीक है, कि भैया अगर मान लीजिए मैंने आपका रिएक्शन करा दिया, पोटेशियम साइनाइड एक सॉल्ट हो गया, इसके फोर मोल्स ले लिए, और इसका रिएक्शन मैंने कराया आयरन साइनाइड के साथ, सिंपल। तो इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों के आपस में जुड़ते ही एक नया कंपाउंड बनेगा K4FeCN6, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक आप कोऑर्डिनेशन स्पीयर यूज करते हो, ये जो ऐसा ब्रैकेट लगा है ना बच्चों, इस ब्रैकेट को हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और जैसे ही आप लोग इसको वाटर में डालेंगे, एक्वस मीडियम में आप ले जाएंगे, तो ये तो टूट जाएगा। ये कैसे टूटेगा, पोटेशियम पे चार्ज आएगा प्लस, चार पोटेशियम है तो फोर प्लस चार्ज, पर ये जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आया है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर आया है, और जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर आता है वो फर्दर आयोनाइज्ड नहीं होता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आपका नॉर्मल आयन रहेगा, सिंपल आयन रहेगा, और एक आप लोग का कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा, और ये कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। इसका मतलब कि ध्यान समझो, यहां पे फोर पॉजिटिव चार्ज थे, पहले तो ये न्यूट्रल था, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं दिख रहा था, बाद में भी न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि चार्ज कंजर्व रहना है, फिजिक्स के हिसाब से चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी ना। तो अगर यहां पर चार पॉजिटिव चार्ज बने हैं, इसलिए मेंटेन करने के लिए मैंने फोर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस किया। अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन, ये कौन सा आयन बन गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों कॉम्प्लेक्स आयन इसको मैं नाम दे रहा हूं, बिकॉज फर्दर ये Fe+2 अलग निकल जाए और CN में माइनस चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ही क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर आयोनाइज नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहे हैं, ये एक्वस मीडियम में भी अपनी आइडेंटिटी को सेफ रख पा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फर्दर आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। इज इट क्लियर? इसी पे वार्नर का थ्योरी आएगा, खैर वार्नर की थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। मैं जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर ले जा रहा हूं बच्चों, वो काफी ज्यादा समझने के लिए आसान रहने वाला है। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में बाद की चीजें पहले पढ़ रहे हैं और वार्नर थ्योरी पहले दिया गया, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप यकीन करना जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। मजा आ जाएगा जब चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मैंने सोडियम साइनाइड ले लिया, ये भी तो एक सॉल्ट है, और सिल्वर साइनाइड ले लिया, इन दोनों को आपस में जैसे ही ऐड किया ये ऐसा बन जाएगा, Na बाहर हो जाएगा और AgCN2 दिखेगा। ये जो आया स्पीयर, इस स्पीयर को क्या नाम देते हो, कोऑर्डिनेशन स्पीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जब आप इसको एक्वस मीडियम में ले जाओगे, आपको भी पता है Na+ एक सिंपल आयन अलग हो जाएगा और AgCN2 के ऊपर चार्ज आएगा -1, और ये क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन जो फर्दर आयोनाइज नहीं होगा।
तो ये चीजें आप लोगों ने देखा समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से भी क्लियर हुआ कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा इसमें। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सारी चीजें अब हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में कंपेयर करूं तो एक कंपैरिजन तो ये मिला कि दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसका मतलब कि कम से कम दो या दो से ज्यादा सॉल्ट तो इन लोगों में कंपल्सरी प्रेजेंट रहेंगे। डिफरेंसेस क्या आ गया, तो एक काम करता हूं मैं एक साइड ले लेता हूं डबल सॉल्ट को, ये हो गया मेरा डबल सॉल्ट और यहां पर आ रहा है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। क्या डिफरेंसेस होंगे चलो डील करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट कि डबल सॉल्ट्स आर, अभी पढ़े हो, ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट व्हाइल इन सॉल्यूशन डिकम्पोज या डिसोसिएट, ठीक है, डिकम्पोजेस इनटू आयंस। सिंपल, डबल सॉल्ट क्या है सॉलिड स्टेट में, तो बकायदा जैसे कार्बनलाइट आपको सॉलिड स्टेट में एक डबल सॉल्ट के फॉर्म में मिला था, बट जैसे ही उसको आपने एक्वस मीडियम में ले गया वो पूरी तरह से क्या हुआ, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो गया। बट जब बात करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो इसका पहला पॉइंट आप सब लोग समझ पाए, दे आर स्टेबल इन बोथ सॉलिड एंड एक्वस मीडियम। ये दोनों में स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इनके आयंस फर्दर आयनाइज नहीं होते और ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, ठीक है। सारी चीजें याद कर लेनी, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या होगा डबल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में, कि भैया जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी आएगी ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ आयंस, क्योंकि सारे रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो गए, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहां पर आप समझिए कि जो कॉम्प्लेक्स आयन आएगा ना, जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स आयन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये आप लोग का कॉम्प्लेक्स आयन आया, Fe(CN6-4) आया, ये कॉम्प्लेक्स आयन आया, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे वो हो सकता है Fe+2 बने, +3 बने, जो भी बने, या हो सकता है CN- बने। तो इन आयन्स की जो प्रॉपर्टी होगी, जो कलर होगा, जो उनके केमिकल नेचर्स होंगे, वो जरूरी नहीं है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ मैच करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कॉम्प्लेक्स आयन जो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन से मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर है। बट डबल सॉल्ट के केस में मैच कर जाएगा, तो ये हटा देता हूं, बस एग्जांपल के लिए समझाया मैं इसको। थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो जो हमारे डबल सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट जब भी बनता है तब उसमें जो भी आपने मेटल लिए, ठीक है, तो इन डबल सॉल्ट ऐसा लिख दे रहा हूं, डबल सॉल्ट मेटल शोज देयर नॉर्मल वैलेंसी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये पोटेशियम की नॉर्मल वैलेंसी +1 है, इसलिए केवल KCl बना था, मैग्नीशियम की 2 है, MgCl2 बस बना था। बट जब आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपने देखा कि Fe के साथ कितने साइनाइड आए थे, Fe के साथ कितने साइनाइड दिख रहे थे, 6। आपको तो पता है
आपको क्या पता है कि आयरन पे आइदर प्लस टू चार्ज होता है, फेरिक आयन फेरस आयन दो पढ़ते हैं ना, या प्लस थ्री चार्ज होता है, फेरस होगा तो प्लस टू, फेरिक हो गया तो प्लस थ्री। पर यहां तो आयरन के साथ सिक्स साइनाइड ग्रुप जुड़ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि डियर स्टूडेंट जब भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा या जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंपाउंड जो मेटल रहेगा वो अपनी इट्स मैक्सिमम वैलेंसी, वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। आयरन में आप सबको पता है आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो Ar4s2 3d6 आता है, क्लियर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसलिए साइनाइड कितने जुड़े हैं, 6। तो यहां पर आयरन अपनी मैक्सिमम वैलेंसी या कोवैलेंसी को यूज कर रहा है तब जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। बट डबल सॉल्ट में जो मेटल रहता है बच्चों, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल की रहेगी वो उसके साथ कंपाउंड बनाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, सोच पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल में तो अभी अभी आपने लिख ही दिया है, कभी भी बोर्ड में आंसर लिखो तो केमिस्ट्री में एग्जांपल्स को इम्पोर्टेंटली आप शो करो, ठीक है। अभी आपने देखा, बड़े सारे एग्जांपल देखे, कार्नेलाइट का एग्जांपल देखा, मोहर सॉल्ट का एग्जांपल देखा, है ना। यहाँ पर आपने पोटाश एलम देखा था, ओके। इसके एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको लानी पड़ेगी, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट है, या और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो कुछ भी ले लीजिए, PtCl4 ले लिया, प्लस माइनस एन चार्ज है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए। तो ये अभी हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, पहला रहेगा डबल सॉल्ट और दूसरा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उनके बीच की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। एक बार आप लोग इसको नोट करना, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सब कुछ नोट करके चलो, एक प्रॉपर नोट बनाओ, ओके? या अगर आप लोग को नोट के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो एक बार मुझे मैसेज करके बताना, एक टेलीग्राम ग्रुप जनरेट कर देंगे जिसमें सारा नोट्स आप लोग को रिटर्न फॉर्मेट में मिलते भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। पर देखो, पढ़ाई बहुत स्ट्रांगली करो, और मैं श्योर कर सकता हूँ कुछ चीज़ों के लिए कि अगर आप कंटिन्यू रहे सारे लेक्चर्स को, बिल्कुल सिस्टम से आप लोग पढ़ते चले गए, तो आप यकीन कीजिए कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास ही यही है कि भैया केमिस्ट्री में आपको बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स और नीट और जेई जैसे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, जो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में डेफिनेटली आप लोग केमिस्ट्री में ना फोड़ के रख देना, ठीक है। साथ में मेहनत करेंगे और बेहतर करके दिखाना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो समझिएगा क्या होने वाला है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे K4FeCN6, मैंने आपसे कहा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि भैया K4 तो अलग हो गया, चलिए हटाइए इसको, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, ये तो सिंपल आयन था। ये बना था आप लोग का कॉम्प्लेक्स आयन, ओके? ये क्या बना था आप लोग का कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पे 4 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज रहता तो यहां पर -2 आता, यहां पर अगर मान लीजिए -1 आता तो वहां पर +1 आता, वो नॉर्मल है, इसलिए मैंने उसको प्लस माइनस एन करके रख दिया, कोई बात तो नहीं है। आप समझिए कि एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें ये स्पीयर आता है, और इस स्पीयर का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इस स्पीयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर दो लोग हैं, कौन कौन से वो दो लोग हैं, तो पहला आयरन। आयरन क्या होता है, तो ये होता है मेरा सेंटर मेटल,
या कुछ बुकों में इसको सेंटर मेटल आयन के नाम से भी जाना जाएगा, कई बार इसको हम लोग CMI भी लिख देते हैं, ठीक है, या CM लिखा रहेगा तो चीफ मिनिस्टर मत पढ़ देना, CM मतलब सेंटर मेटल। और ये जो रहता है जो सेंटर मेटल के साथ जुड़े रहेगा और सेंटर मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बिकॉज दिस कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट्स वाई कि ये जो हमारे सब्सटेंसेज हैं ये इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होंगे, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ अटैचमेंट करेगा उसको प्यारे बच्चों हम नाम देंगे लिगेंड। क्या नाम देंगे, लिगेंड। तो कभी भी कोई भी जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा केवल दो लोग आते हैं, एक होगा सेंटर मेटल और दूसरा कौन होगा, लिगेंड। फिर से रिपीट करता हूं, दो लोग आएंगे स्पीयर के अंदर, सेंटर मेटल और लिगेंड। और बच्चों ये जो मेटल रहेगा ना ये बेसिकली आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक के ही यूज करोगे या डी ब्लॉक के ही एलिमेंट यूज करोगे, एफ ब्लॉक के भी बहुत रेयर होंगे। जनरली जो मेटल्स हम यूज करेंगे वो किसके यूज किया जाएगा, डी ब्लॉक मेटल्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए केवल डी ब्लॉक के ही मेटल आने चाहिए, एस ब्लॉक के मेटल नहीं चलेंगे, ठीक है, कब, कोऑर्डिनेशन एंटायटी के अंदर, बहुत रेयर केस हो जाएगा फिर वो, जनरली क्या रहेंगे, डी ब्लॉक या कभी कभार एफ ब्लॉक के भी रह सकते हैं। तो ये था आप लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब एक एक चीज को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो चार्ज आता है ये तो चार्ज ही कहा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी कभी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस टाइप से होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए, अब आपको एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाके समझना है। अरे मैं इसको वापस से एक बार बनाता हूँ, एग्जाम्पल को हटा के समझिएगा बच्चों। मैंने आपको बोला कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, उसके अंदर केवल दो लोग रहेंगे, एक मेटल और दूसरा लिगेंड, ठीक है, और यहां पर ये इसका आएगा चार्ज। सिमिलरली मैंने अभी क्या बोला, ये क्या है मेरा सेंटर मेटल, और L मतलब क्या है, लिगेंड, और ये जो नंबर है ना जो लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये एक्चुअल में मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में ये नंबर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन करता है, अदरवाइज ये क्या एक्सप्लेन करता है नहीं करता, ये चीजों को हम लोग को डिटेल में जानना भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने से रिलेटेड नीट और जेई ने क्वेश्चन किए हैं, तो आपको ये सीखना है, आराम से सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे, एक्चुअल में है क्या ये कॉन्सेप्ट, और हर चीज डिटेल में जानेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर मैं आप लोग को पहले बता दूं कि भैया ये सेंटर मेटल या सेंटर मेटल आयन जो बोलेंगे ये क्या है, तो समझिएगा इसकी प्रॉपर्टी, सेंटर मेटल की क्या खास बात होती है। तो सेंटर मेटल जो है हमारा ये एक डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का मेटल होगा, पहली बात। इसके साथ ये प्रॉपर्टी है कि सेंटर मेटल दोज मेटल्स थ्रू विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बॉन्ड मतलब ऐसे मेटल्स रहेंगे थ्रू विच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड, एक्चुअल में थ्रू विच नहीं बोलना चाहिए, दोज मेटल विथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म एंड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। या अगर अच्छे से लिखना चाहो तो इसी चीज को थोड़ा सा आप लोग ऐसा लिख लो, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। दोज मेटल्स कहां पर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर, दोज मेटल विच एक्सेप्ट
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्योंकि भैया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बनता है जब अनइक्वल शेयरिंग हो, और अनइक्वल शेयरिंग तब होता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। जैसे आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कि मान लीजिए अमोनिया है और यहाँ पर BF3 है, ठीक है, आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है और यहाँ पर बोरॉन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए भेजता है। तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है कि अनइक्वल हो रही है? बिल्कुल अनइक्वल हो रही है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो दोनों इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है, बोरॉन तो बस एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो इसलिए इस टाइप से जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है तो जो बॉन्ड बनता है बच्चों उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं और उसको ऐसे एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां भी वही होगा कि जो सेंटर मेटल रहेगा वो लिगेंड से क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस प्रोसेस में बच्चों आप लोग एक बात समझ पाए कि जो सेंटर मेटल है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, लुईस एसिडिक इन नेचर। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो सेंटर मेटल के बारे में ये बात आप समझ पाए कि डी ब्लॉक का मेंबर होगा, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसके बनने से कंपाउंड क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वो किस नेचर का होगा, बिकॉज इट्स एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई वो लुईस एसिडिक कैरेक्टर का होगा। अब दूसरी बात आ जाते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ना है लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं लिगेंड को। देखो लिगेंड के बारे में बच्चों मैं एक बात आप बता दूं, अभी अभी आप देख लिए लिगेंड क्या होगा, दोस कंपाउंड्स विच हैव कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंटर मेटल, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो सेंटर मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके, डोनेट कर दे सके, और ये लोग क्या रहेंगे, जनरली दे आर नेगेटिव आयंस, या नेगेटिव आयंस में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे सप्लाई करेंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल और समटाइम्स वेरी रेयर, बहुत कम केसेस में ही होगा, समटाइम्स पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। जो लिगेंड्स होंगे वो बेसिकली क्या रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रहेंगे, या कभी कभी न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे देखो ना अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड था, लोन पेयर दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये लोन पेयर डोनर एटम हो गया ना, मॉलिक्यूल हो गया, तो ये लिगेंड की तरह प्रिटेंड करेगा, क्लियर। तो न्यूट्रल भी हो सकता है, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होंगे, बट कुछ केसेस में पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस भी सेंटर मेटल को लोन पेयर पास करेगा और अपने आप को लिगेंड कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई कि ये लोग सेंटर मेटल को क्या कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, तो भैया वो लुईस बेस होता है। तो लिगेंड्स के बारे में जान लेना, लिगेंड्स आर लुईस बेसिक इन नेचर। जैसे कुछ एग्जाम्पल में मैंने अभी आप लोग को अमोनिया ही बोल दिया, देखो लोन पेयर है डोनेट कर सकता है, या मान लो OH है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वाटर ही ले लिया आप लोगों ने H2O, तो आपको फिर से दिख रहा है ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। या मान लीजिए CN- लिया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है डोनेट करेगा। या मान लीजिए हमारे पास सल्फेट आयन आ गया, सल्फाइड आयन आ गया, कार्बोनेट आयन आ गया, हेलोजन आ गए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे।
ये सारे के सारे क्या हैं? लिगेंड्स हैं। बच्चों लिगेंड हमारे कितने टाइप के होंगे, तो यहीं से आपको पता चल रहा है। लिगेंड आप लोग चार्ज के भी आपसे अगर आप लेंगे, नेचर के भी आपसे, तो थ्री पार्ट में क्लासीफाई होगा। नेगेटिव लिगेंड, जैसे ये सब क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया है। न्यूट्रल लिगेंड लाइक वाटर, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो जाते हैं कुछ कुछ, पॉजिटिव लिगेंड लाइक मान लीजिए नाइट्रोसोनियम आयन है, ये सब होगा। एक एक चीज आपको डिटेल में जानना है। और उसके बाद लिगेंड का जो और क्लासिफिकेशन है उसको आपको डिटेल में समझना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि हर चैप्टर का ना एक सोल पॉइंट होता है जिसमें पूरी चैप्टर की आत्मा ना स्टोर रहती है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का सोल पॉइंट है कौन? लिगेंड। कौन है? लिगेंड। तो लिगेंड की एक एक पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिगेंड के क्लासिफिकेशंस को बिल्कुल डिटेल में क्लासिफाई करूंगा, ठीक है? और ऐसा डिटेल क्लासिफिकेशन होगा कि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। और बच्चों लिगेंड वाला लिस्ट आपको याद रह गया तो पूरा चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यहां तक हम समझे बातों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिगेंड के क्लासिफिकेशन को काफी डिटेल से डील करेंगे, ठीक है? तो वो हमारा अगले वीडियो का टारगेट रहेगा। एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग लोगे ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्यारे साथियों आप लोग तीन चार टाइप का ले सकते हो। कौन कौन से तीन चार टाइप होंगे भैया, देख लिया जाए। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे ये तीन चार टाइप के होंगे। पहला आप लोग लेंगे टाइप वन। टाइप वन इसमें क्या आएगा? सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर एग्जांपल यही है हमारा K4FeCN6। जब आप इसको डिसोसिएट करोगे वाटर में तो क्या हो जाएगा? K+ आएगा, जो कि अपने आप में कैसा आयन है? कॉम्प्लेक्स आयन है कि सिंपल आयन है? तो आप सबको समझ में आ रहा है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज आना एक सिंपल आयन है। तो केटायन क्या है? सिंपल। और एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो ये एक एग्जांपल हो गया आप लोग का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है जिसमें सिंपल केटायन बन रहा है और कॉम्प्लेक्स एनायन बन रहा है। इसी का टाइप टू देख लो। सेकेंड टाइप कौन सी होगी? इसमें क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सिंपल केटायन, या सिंपल एनायन, सॉरी कॉम्प्लेक्स केटायन। पहले तो सिंपल केटायन था, इस बार कॉम्प्लेक्स केटायन रहेगा एंड सिंपल एनायन। ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके फॉर्म हो सकते हैं। अगर देखना है एग्जांपल तो ये देखिए एग्जांपल। इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिए, वाटर में ऐड कीजिए, एक्वस मीडियम है, क्या हो जाएगा? सेपरेट कीजिए आप, तो आप पाएंगे सर यहां पर CONH36 तो रह जाएगा, Cl पे क्या चार्ज आता है? माइनस। कितने Cl के एटम है? तो भी है 3। टोटल कितने नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुके हैं? 3 नेगेटिव। दैट मींस कंपाउंड पहले क्या था? न्यूट्रल था, तो बाद में भी न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अगर यहां पर 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं इसलिए स्पीयर पे क्या चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इस बार जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है? केटायन है। और जो सिंपल आयन है वो कैसा है? एनायन है। इसलिए तो नाम दिया कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन। इस टाइप का भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है। एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है प्यारे बच्चों, क्या? कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का ये जो लेक्चर है ये पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हमने क्या किया? हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, बस इन चीज़ों को बेसिक में बस जाकर सीखा है। नेक्स्ट वीडियो से स्टैंडर्ड चीज़ें होने वाली हैं और मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया PtCl4 और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ PtCN6 या कुछ और दे दो CrCN6। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो हमेशा जानना
लेफ्ट में जो चीजें रहेंगी वो क्या बन रही है, केटायन। लेफ्ट की चीजें क्या बन रही है, केटायन। तो ये कुछ ऐसा टूटेगा, यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस एन जो भी है, और यहां पर आप लोग का बनने वाला है सीआर, क्या था, सीएन था ना, माइनस एन। क्लियर हुआ? तो इस बार केटायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन बने, वो भी एक अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। एक और टाइप है बच्चों, टाइप फोर। अब सोचोगे अब क्या बच गया यार, तो वो होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उनसे बनेंगे जिसमें न्यूट्रल लिगेंड हो, लाइक NiCO4, FeCO5। CO के बारे में जान लो, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इसको, और ये न्यूट्रल रहता है। तो यहां का अगर आप चार्ज देखोगे तो ना तो केटायन बन रहा है ना ही एनायन बन रहा है, तो प्योरली क्या है, न्यूट्रल है, जीरो चार्ज आया। तो चार टाइप के आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, लिगेंड और उसके क्लासिफिकेशन, जो इस पूरे चैप्टर का सोल पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको कवर करो, पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।